दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का लगता है, क्यों आसमां। कोई भी शख्स किसी बदकिरदार औरत और धोखेबाज औरत को अपने घर में घुसने नहीं देता। वो अभी भी मेरे साथ निकाह में है। इस घर की इज्जत है, हमारा रिश्ता कायम है। बेहयाई की तो सारी हदें पार कर दी उसने, कहीं का नहीं छोड़ा। भाई तुम्हें तलाक भिजवा देंगे। तुम्हारे कुछ कपड़े और सामान मैंने एक बैग में पैक करवा दिया है, वो लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं जुनेद से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। आप लोगों की अमानत लुटाने आई, जब तक इससे डिवोर्स नहीं हो जाती यहीं रहेगी। तलाक के बाद जहाँ मर्जी जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जाकर जुनेद से बात करो, उसे पूरी हकीकत बताओ। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा। तुमने सिर्फ मेरे साथ बेवफाई नहीं की बल्कि मेरे एतमाद को भी ठेस पहुंचाया। तुम एक खुदगर्ज, बदकिरदार, मतलबी औरत हो। कितना बेवकूफ हूं। एक ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताता रहा जो पहले दिन से दिलो दिमाग से मेरी नहीं थी। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कम से कम इस जिल्लत से तो बच जाती तुम। फिलहाल तुम इस लायक तो नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए, फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, कोई भी ताल्लुक। आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश ना कर। मेरा डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए, इसमें 25 लाख का चेक। अगर मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चली जाओ मेरी जिंदगी से। कुछ और कह रहा है तुमने? जाओ यहां से, मुझे एक मीटिंग में जाना। प्लीज लीव। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। मैंने आपसे कहा था ना, मना किया था कि नगीन से शादी ना करें। तुम कुछ बताओगी भी, हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। प्लीज सब बताओ, क्या हुआ है? नगीन और हादी सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई, सब खत्म हो गया। नगीन ने आपको चीट किया है, खुलम खुला अहमर के साथ अफेयर चलाती रही है वो लड़की और आप। फिर तुमने बकवास शुरू कर दी। नगीन का पीछा छोड़ दो, क्यों उस पर इल्जाम लगाती रहती हो? अब तो अहमर की शादी होने वाली है फारिया से, अब तो उसके पीछा छोड़ दो। अहमर ने मंगनी तोड़ दी है। क्या, मंगनी तोड़ दी? मगर क्यों? इस बात का जवाब तो आपको अहमर और नगीन ही दे सकते हैं। इस वक्त आपकी बीवी अहमर के साथ उसके अपार्टमेंट में है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो चले मेरे साथ, खुद देख लें अपनी आंखों से। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी छत नार थी। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि कसूर तो तुम्हारा है,
कसूर तो मेरा है कि मैंने तुम जैसी झूठी औरत पे एतबार किया है। आप मुझे मेरी सफाई पेश करने का एक मौका तो दें। क्या सफाई पेश करोगी तुम? क्या सफाई पेश करोगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे झुटलाओगी तुम? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने देखा, प्लीज मेरा यकीन करें। गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। ये लड़की कहाँ गई है? मैंने भेजा है किसी काम से। कमाल करते हैं आप, पहले क्या कमगुल खिलाए इस लड़की ने जो आपने उठा के जवान लड़की को घर से बाहर भेज दिया। ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया तो जो इसका जाना इतना जरूरी था? सारे काम अधूरे छोड़कर गई है। कपड़े धोने को कहा था वो भी नहीं धोए उसने, पता नहीं कहां चली गई है। वैसे बता भी नहीं रहे, कुछ बताइए तो कहां गई है ये? जुनैद से बात करने को भेजा है। क्या जुनैद से बात करने? अब क्या रह गया बात करने के लिए? जुनैद को कोई गलत फहमी हुई है, हमारी नगीन बेकसूर है, मासूम है वो। बड़ी आई मासूम, ये होती है मासूमियत और शराफत? रंगे हाथों पकड़ी गई उस लड़के के साथ और आप अब भी उसकी पारसाई का ढूंढरा पीट रहे हैं। रहने दीजिए साबिर, मान लीजिए अपनी हार, मगर आप तो गलती मानेंगे नहीं ना। देखा आपने उस तरफदारी करने का नतीजा, और सर चढ़ाइए उसे, किस हाल पे लाके पहुंचा दिया आपको, चलने फिरने के काबिल नहीं रह गया। क्या हुआ बेटा? बात हुई जुनैद से? क्या कहा उसने? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है इस लिफाफे में? जुनैद भाई ने इसे तलाक दी थी। क्या ये तो एक ना दिन होना ही था, ऐसे कामों का यही तो नतीजा होता है। खामोश हो जा फखरा, खुदा के लिए खामोश हो जा। मेरे खामोश रहने से इसके दामन में लगे दाग तो नहीं मिटेंगे। सारी जिंदगी इसको सुनना पड़ेगा कि जैसी मां वैसी बेटी। खून तो आखिर वही है, और फिर कीकर के दरख्त में सेब नहीं लगते, कौन ब्याहेगा इसे? वो लड़का तो इसे बदनाम करके कहीं छुप गया है, वरना उसी से निकाह पड़वा देती। मामू, क्या हो रहा है आपको मामू? अरे साबिर, साबिर क्या हुआ? बोलिए कुछ बोलिए सब। बेटा जल्दी से रोहब को फोन करो, हट जाओ तुम यहाँ से, खबरदार जाओ आसपास नजर आई तुम। साबिर बोलिए ना प्लीज, साबिर साबिर बोलिए।
दूसरी बार फालिश का अटैक हुआ है अबू को, अब उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि अबू इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे पूरी जिंदगी? तुम्हारे मुंह में तो खाक हौल फौल बकना शुरू हो जाती हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? उनके सामने लिफाफा खोल दिया, देख रहे हैं ना आप रोहा, आपकी अम्मी किस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं। बस कर दें आप दोनों, आप दोनों के इस रवैये की वजह से आज अबू इस हाल तक पहुंचे। जब देखो लड़ाई, जब देखो बहस, घर घर नहीं जन्म लगने लगे। कभी तो धीमे लहजे में बात कर लिया करें आप दोनों। अब इसका इल्जाम भी आप मुझ पर लगा दें, जैसे सारे फसाद की जड़ में। आप ये भी कह दीजिए कि नगीन की तलाक करवाने में भी मेरा ही हाथ है, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसे कोई कुछ नहीं कहता। तुम तो चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? आप लोग मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते रहे और मैं चुप करके बैठी रही। ये सब कुछ उस मनहूस नगीन की वजह से हो रहा है, आपके अबू उसी के गम में घुले जा रहे हैं। अम्मी प्लीज, अब अबू से कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। मुझसे रोज रोज हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए जाते, सारी जमा पूंजी अबू के इलाज में खर्च हो चुकी है, ऊपर से नगीन भी यहां पे आके बैठ गई है। तुम एक खुदगर्ज, बदकिरदार, मतलबी औरत हो, तुम इस लायक तो नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, कोई भी ताल्लुक। आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश ना कर। ये तो एक ना दिन होना ही था, ऐसे कामों का यही तो नतीजा होता है। सारी जिंदगी इसको सुनना पड़ेगा कि जैसी मां वैसी बेटी, खून तो आखिर वही है, और फिर कीकर के दरख्त में सेब नहीं लगते। कौन ब्याहेगा इसे? वो लड़का तो इसे बदनाम करके कहीं छुप गया है, वरना उसी से निकाह पड़वा देती। खाली खाली आँखों से कोई जैसे हाले हाले मेरे दिल से ये पूछे। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि नगीन का क्या करना होगा। ये सोचना आपका काम नहीं है, आप सिर्फ मेरी और अपने बच्चों की फिक्र करें, फजूल के गम पालने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कब तक यहां पड़ी रहेगी? सारी जिंदगी तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैं सोच रहा हूं कि अहमर के साथ नगीन की शादी करवा दूं। वो क्यों करेगा एक तलाक याफ्ता से शादी? यहाँ पे तो खवारी लड़कियां सारी उम्र बैठी रहती हैं, उनसे कोई शादी नहीं करता, तो इस तलाक याफ्ता को क्यों एक्सेप्ट करेगा कोई? तो फिर क्या करें? करना क्या है, पड़ी रहेगी यहीं किसी कोने। अच्छा है, मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा, घर के हजार काम होते हैं चुपचाप कर लेगी। रहाब, अब्बू के लाश पे आपने पानी की तरह पैसा बहाया है, सारी जमा पूंजी खत्म कर दी है, मैंने मासी को छुट्टी दे दी है। अच्छा है ना, महीने के 8,000 रुपये बच जाएंगे, और फिर नगीन बच्चों को भी पढ़ा दिया करेगी, ट्यूशन फीस भी बच जाएगी हमारी। इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल के तुम ज्यादती कर रही हो उसके साथ। एहसान भी तो कर रहे हैं उसे यहाँ पर रख के, अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो कब का उसे निकाल बाहर कर चुका होता। अरे एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गई,
नगीन को तलाकनामे के साथ 25 लाख का चेक मिला है। 25 लाख का चेक? नगीन की हक मेहर की रकम का चेक। मैं तो कहती हूँ आप वो चेक कैश करा के अपने अकाउंट में डलवा लें। वैसे भी वो क्या करेगी इतनी बड़ी रकम का, सब जरूरतें तो उसकी यहाँ पे पूरी हो जाती है, और क्या चाहिए उसे? नहीं नहीं, ये उसकी हक मेहर की रकम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ करने को तो नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चेक जमा करा लें आप अपने अकाउंट में ताकि पैसे हिफाजत से रहें। रिश्तों के कच्चे टांके तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? एक बार प्यार का एतबार। आप मुझ पर इतना एतबार क्यों करते हैं? मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है, भरोसा है कि मुझे धोखा नहीं देगी। एक रेत की दीवार थी बादल बहुत जोर से गरज रहे, लग रहा है आज बारिश होगी। रात लाउंज में तो बहुत ठंड होगी, तुम एक काम करो यमुना के कमरे में सो जाना आज। लेकिन कब तक यूं निढाल बैठी रहोगी तुम? जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, नए सिरे से स्टार्ट करो अपनी जिंदगी। काश ये सब कुछ आसान होता। अच्छा तो फिर क्या करना है आगे? क्या मतलब? मतलब ये कि अहमद से तुमने शादी करनी है या नहीं? भाभी प्लीज, आप उसका नाम भी मेरे सामने मत लें। सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। नगीन, गलती तुम्हारी अपनी है। तो जुनेद भाई के साथ यूं बेवफाई करोगी तो सजा तो मिलनी थी ना तुमको। मैंने उनसे बेवफाई नहीं की, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। तुम जितना मर्जी चिल्ला, तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? अगर आपको मेरे यहाँ रहने पर एतराज है तो मैं कहीं चली जाऊंगी। अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अहमद से शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या सारी जिंदगी ऐसी गुजारोगी? वो चेक कहाँ है? कौन सा चेक? वही जो जुनेद भाई ने तुम्हें तलाकनामे के साथ दिया था। तराज में रख दिया था मैंने, कल सुबह ही जाते उन्हें वापस कर दूंगी। मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए भाभी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही कहने आई थी तुम्हें। बल्कि तुम रोहाब को बोलो कि वापस कराए वो चेक, खुद मत जाना। हाँ तुम एक काम करो, मुझे दे दो वो चेक, मैं रोहाब को कहूंगी कल सुबह उठते पहला काम वो ये करेंगे जुनेद भाई को वापस करके आएंगे चेक। भाई हमें क्या जरूरत है ऐसे पैसों की, घर में जाए हम वापस कर देते हैं।
लीजिए जनाब, पूरे 25 लाख का चेक है। उसने दे दिया चुपचाप? और क्या, मैंने उसे जबरदस्ती थोड़ी लिया ये चेक। पकड़े ना। अब ना इसे जल्दी से कैश करा लीजिएगा रोहा, भाई की शादी जो आ रही है मेरे, बहुत सारे कपड़े बनाऊंगी। किस किस्म की औरत हो तुम? किसको फोन कर रहे हैं आप? मामा को। कल मिलाकर तो दिया था आपको। कल नानू ने फोन उठाया, उन्होंने मेरी मामा से बात नहीं करवाई। अब भी नानू ही फोन उठाएंगी तो मैं क्या करूं? आप मुझे वहां ले जाएं। ना जी ना, मैं साहब से पूछे बगैर ये काम नहीं कर सकती। आप साहब से खुद बात कर लें, वो ले जाएंगे आपको। ठीक है। आपके लिए सूप बनाया, प्लीज पी लीजिए। आप रो रहे हैं मामा, प्लीज संभालें खुद को। आपको इस हालत में देखकर मुझे खुद से नफरत होने लग जाती। मेरी वजह से आप इस हालत में पहुंचे। ये कीड़ मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है मामा, प्लीज ऐसा ना करें, कुछ खा लें। मैं जुनेद के पास गई थी बात करने, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तलाक के कागजात पहले से ही तैयार रखे थे उन्होंने। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। समरा ने बहुत गंदा खेल खेला मेरे साथ, सब मुझे कसूरवार समझ रहे। यहां भी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मामू मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, सब कुछ सब सह लूंगी, लेकिन मैं आदि के बगैर नहीं रह सकती मामू। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तुझे मेरा मालिक है ना अल्लाह, उस पे भरोसा रखो मेरी बच्ची। अब वही तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। अल्लाह के साथ पे भरोसा रखो। वही सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो,
लेकिन तुम्हें हादी से बात करनी है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी नहीं रुकूंगा। तुम्हारा जब जी चाहे फोन कर सकती हो, तुम होल्ड कर, मैं बुलाता हूं। क्या कर रहे हो तुम, किसे फोन कर रही थी? माने जान, मैं वो हादी। हादी? हादी को क्यों फोन कर रही थी तुम? क्या लगता है वो तुम्हारा? मुझे उसकी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने उसे फोन किया था। खबरदार जो तुमने आइंदा उसे फोन किया। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे? चोरी छुपे उस लड़के से बातें कर रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। नहीं रो, हाँ भाई मैं तो। तुम इद्दत में हो, जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे उस लड़के के साथ। अम्मी ये फोन अपने कमरे में ले जाए, दोबारा यहाँ पे नजर ना आए। हटो यहाँ से। बाबा, मामा का फोन बंद हो गया। मैंने उनको दोबारा मिलाया तो नानू ने उठाया और नानू ने मेरी उनसे बात नहीं कराई। बेटा, आप ऐसे करना, थोड़ी देर बाद फिर मिला लेना उनको। लेकिन मामा तो फोन ही नहीं उठाती है, मैं उन्हें क्यों बुलाऊं? बाबा, एक बात पूछूं? आई एम श्योर अ लॉट, वो क्या कभी भी वापस नहीं आएंगी? बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, आपको कल नानू के घर छोड़ देता हूँ, फिर आप मिल लेना उनसे। आप सच कह रहे हैं? हुए कुछ यूं मिले, मिलकर भी जो मिल ना सके, मौसम सभी उस कमबख्त की वजह से मेरा नवासा मुझसे दूर होता जा रहा है। हादी की शक्ल देखने को तरस गई हूं मैं। तो किसने मना किया आपको, जाके मिल लीजिए, जुनैद भाई मना थोड़ी करेंगे आपको। किस मुंह से शक्ल दिखाऊं जुनैद को, मैंने तो उसे राजी किया था इस शादी के लिए। ये इस वक्त कौन आ गया, देखो जरा। देखता हूं। अरे जुनैद भाई, आप क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हादी को लेकर आया था, शाम को ड्राइवर पिक कर लेगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अम्मी अभी से याद करी थी। आप आइए ना अंदर। नहीं, मैं फिर कभी सही आऊंगा। ठीक है, ओके बेटा, हादी खुदा हाफिज, तंग नहीं करना किसी को। तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आओ, 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 आओ। तुम्हें इतने दिनों के बाद नानू की याद आई है? मैंने तो आपको फोन भी किया था, आपने मुझे एक दफा भी फोन नहीं किया और आपने मेरी मामा से भी बात नहीं कराई। अब तुम उसे मामा मत कहा करो, खाला कह के पुकारा करो। क्यों, वो तो मेरी मामा बन गई है ना, मैं उन्हें खाला क्यों कहूँ? मामा, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? आप बाबा से दोस्ती कर लें और वापस हमारे घर आ जाए। हरी दरा मेरे, खबरदार जो तुमने हाथ लगाया इसको। नानू, मुझे मामा के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़े। तुम्हारे बाबा ने इसे तलाक दे दिए, ये तुम्हारी खुश नहीं लगती अब। चलो उठो, अंदर चलो। क्या करें मुमानी जान, छोड़े इसे। उठो,
माने हादी, आपने उसे वहां जाने की इजाजत कैसे दे दी? जिस लड़की को वो मामा कहता है अब वो उसकी मां नहीं है। वो बचपन से नगीन के साथ मानूस है, अगर से वो मामा ना भी कहे ना तो मैं उसकी मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। भाई पहले की बात और थी, अब सिचुएशन बदल गई है। बच्चा है वो, नगीन को मैंने डिवोर्स दिए वो ये बात कैसे समझे? ठीक है नगीन ने मेरे साथ बेवफाई की है, मैंने उसे डिवोर्स दे दी, मगर उसमें बच्चे का क्या कसूर है? मैं उसे वहां जाने से मना नहीं कर सकता। ये सरासर ज्यादती होगी नगीन और हादी के साथ। आपको क्या लगता है उसे कोई फर्क पड़ेगा? अगर उसे हादी का जरा भी एहसास होता तो वो ये कदम ना उठाती। मैं जा रही हूं हादी को लेने। हरगिज नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। यानी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दोगी तो मैं कल जाके हादी को वहां से ले आऊंगा। ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही, मुझे अब स्टोरीज भी नहीं सुनाती। आज आपने अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाया। आप बदल गई हैं, आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं हादी, अब आप छोटे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो और बड़े बच्चे अपने हाथों से खाना खाते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकती। आप सच कह रही हैं? नगीन की तलाक का सुना बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह की मर्जी इसी में थी, मेरे नवासे की किस्मत में शायद माँ का प्यार ही नहीं। पहले नाज़नीन चल बसी और अब ये यहाँ आकर बैठ गई है। मियाँ बीवी के दरमियान तो नाचाकियाँ चलती ही रहती हैं, जहाँ दो बर्तन होते खटपट तो होती ही है। नगीन को ही सबर से काम लेना चाहिए था, अब तलाक लेकर आ गई, कौन करेगा इससे शादी? पहले कौन सी रिश्तों की लाइन लगी हुई थी? जुनैद से शादी करवा के तो हमने उसकी जिंदगी संवारी थी, मगर कुछ लोगों को इज्जत राशि कहाँ आती है। वैसे बहन हुआ क्या था? मेरा मतलब है दोनों के झगड़े की वजह क्या थी? नगीन रशीदा आई है, जरा कुछ चाय का इंतजाम तो करो। अरे फाकना बहन रहने दे, मेरा अपना ही घर है। वैसे मैंने सुना है नगीन का किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर था। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लोग तो ऐसे मौकों पर अफवाहें फैलाते हैं। हाँ लोगों का काम ही क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। वैसे मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहें तो आज ही बात वहां चलाऊं। रिश्ता मगर किसके लिए? अपनी नगीन के लिए और किसके लिए? मेरी नंद का बड़ा भाई है, अभी अभी शारजा से वापस आया है। बेचारे की बीवी कैंसर की वजह से बिस्तरे मर्ग पर है। चार बच्चे हैं उसके, उन्हीं की देखभाल के लिए नगीन जैसी खिदमत गुजार लड़की चाहिए। वो तो ठीक है, मगर नगीन तो अभी इद्दत में है। कोई बात नहीं, ये चंद महीने भी यूं ही गुजर जाएंगे, हम इंतजार कर सकते हैं।
यकीन नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जिसे मेरे भाई ने अपने घर में मलका बनाकर रखा था। तुम क्या थी और क्या बन गई हो? छोटी सी गलती ने तुम्हें आसमान से जमीन पर ला बिठाया। तुम जैसी लड़कियां यही सब डिजर्व करती हैं। ये सब बातें किसी और ने की होती ना तो मुझे हैरत नहीं होती, लेकिन आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे अफसोस भी हो रहा है और हैरत भी। आसमान से जमीन पर गिराने वाली, मुझे यहां तक पहुंचाने वाली सिर्फ आप हैं। मैं नहीं जानती आपके दिल में मेरी इतनी नफरत क्यों, लेकिन मेरा जमीर मुतमईन है और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। बहुत ही ढीठ हो तुम, गलती साबित होने के बाद भी इतनी ढिटाई से खुद को बेकसूर समझ रही हो और अपनी बर्बादी का इल्जाम भी मुझ पर लगा रही हो। अगर आपने मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगाया होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, और अगर मैं आज चाहूँ तो जाकर जुनेद को सब कुछ बता सकती। सुहाना तुम मम्मी को लेकर अंदर जाओ, मैं समझाता हूँ इसे। अरे तुम क्या समझाओगे इसे? ये घर की दहलीज पार करके हमें मजीद जलील और रुस्वा करना चाहती है। पहले क्या कम कुल खिलाए इसने? और मैं क्यों करूं एक ऐसे शख्स के साथ शादी जिसके दिलो दिमाग में पहले ही किसी दूसरी औरत का बसेरा है। नहीं करनी मैंने उनसे शादी। और ये आवारा लड़की मेरे घर में रह के मेरे शौहर पे डोरे डालती है। अहमर से शादी कर लो बेटा। यकीन नहीं आ रहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से चुनैद से छीन लूं। और एक वो है, इद्दत के बाद अहमर से शादी भी कर ली। क्या शादी कर ली? दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, रिश्तों के कच्चे टांके हुआ था।